केंद्र की नवगठित मोदी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज, बांटे जा सकते हैं विभाग, टीडीपी जेडीयू की मंत्रालय पर नजरें। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार पीएम पद की ली शपथ, राजनाथ नड्डा शाह समेत 30 को कैबिनेट में मिली जगह। पीएम मोदी की कैबिनेट में इस बार कुल 71 मंत्री शामिल, इसमें 33 नए चेहरे, 11 गैर भाजपाई को बनाया गया मंत्री। भाजपा की प्रचंड जीत से केंद्र में मध्य प्रदेश का दबदबा, कैबिनेट में प्रदेश से 5 सांसदों ने ली मंत्री पद की शपथ। मोदी कैबिनेट में यूपी से 11 तो बिहार से 8 मंत्री शामिल, कर्नाटक से निर्मला सीतारमण समेत 5 को मिली जगह। मंत्रिमंडल में 7 महिलाओं में 3 पहली बार बनी मंत्री, सबसे युवा महिला मंत्री रक्षा निखिल की हो रही है चर्चा। शपथ के बाद पीएम मोदी ने दुनिया को दिया बड़ा संदेश, कहा पड़ोसी प्रथम के साथ नई समुद्री नीति पर नजरें। केंद्र की नई सरकार में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व हुआ शून्य, 2 साल से सरकार में नहीं, 4 उम्मीदवारों में सभी हारे। नेपाल के पीएम ने मोदी को तीसरे कार्यकाल की दी बधाई, कहा मुझे विश्वास है कि दोनों देशों के संबंध होंगे मजबूत। प्रधानमंत्री के शपथ पर विदेशी मीडिया ने दी प्रतिक्रिया, कहा भारत में बदली हुई दिख रही है राजनीति की हवा। पीएम के कटआउट पर योजनाओं के बैनर से पटी राजधानी, शपथ में मोदी में दिखी दिल्ली, लोगों ने जमकर ली सेल्फी। मोदी के शपथ ग्रहण के बाद नई ऊंचाइयों पर शेयर बाजार, सेंसेक्स 70,000 के पार, निफ्टी 23,400 के ऊपर पहुंचा। आज दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे प्रेम सिंह तमांग, राज्य की 32 में से 31 सीटों पर हासिल की प्रचंड जीत। राजनाथ सिंह और भूपेंद्र तय करेंगे उड़ीसा का मुख्यमंत्री, भाजपा संसदीय बोर्ड ने दोनों को पर्यवेक्षक बनाया। उड़ीसा में 12 जून को भाजपा सरकार का होगा शपथ ग्रहण, 11 जून को होगी विधायक दल की बैठक, रेस में सुरेश पुजारी। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों का बस पर हमला, ड्राइवर को गोली मारी, बस खाई में गिरी, 10 की मौत। आतंकी हमले में राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री ने जताया दुख, सीएम ममता बनर्जी ने घटना की जांच की उठाई मांग। रियासी में आतंकवादी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में अलर्ट, राजौरी जिले के शिवखोड़ी धाम की भी कड़ी की गई सुरक्षा। पूर्वी भारत में 5 दिनों तक जारी रहेगा गर्मी का प्रकोप, मुंबई में 2 दिन पहले ही मानसून ने दे दी दस्तक। दिल्ली NCR में पारा पहुंचेगा 45 डिग्री सेल्सियस के पार, सूरज दिखाएगा तेवर, 4 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी। राजधानी दिल्ली में पानी की परेशानी से जूझ रहे लोग, निजी टैंकर से महंगा पानी खरीदने को हुए मजबूर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अचानक भंग की संसद, राष्ट्र के नाम संदेश में 30 जून को चुनाव कराने का ऐलान। रूस के नवीनतम पीढ़ी के लड़ाकू जेट को यूक्रेन ने किया तबाह, कीव की रक्षा एजेंसी का दावा, रूस में घुसकर किया हमला। इरफान सोलंकी की 20 करोड़ की संपत्ति हो सकती है जब्त, विधायक को रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी में ईडी। गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर खड़े ट्रक में घुसी बस, भीषण हादसे में 4 श्रद्धालुओं की गई जान, कई घायल। आर्थिक राजधानी मुंबई में निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा गिरा, हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर, कई अन्य घायल। इस बार रक्षा मंत्री के सामने चुनौतियों का होगा अंबार, चीन और अग्निवीर जैसे मुद्दों से निपटना नहीं होगा आसान। महाराष्ट्र के सतारा में महाबलेश्वर में रिजॉर्ट पर चला बुलडोजर, सीएम के निर्देश पर टूटा पुणे फोर्स केस के आरोपी का अवैध निर्माण। केरल सीएम पिनराई विजयन ने पुजारी को बताया अज्ञानी, कांग्रेस भाजपा ने की आलोचना का, अभी भी नहीं बदले विजयन। केंद्र सरकार में नेशनल पेंशन सिस्टम पर बढ़ाई निगरानी, NPS में कितना पैसा जमा हो रहा है, पोर्टल पर देनी होगी रिपोर्ट। VBA प्रमुख प्रकाश अम्बेडकर का ईडी गठबंधन पर बड़ा आरोप, बोले बहुजन वोट के लिए कांग्रेस ने हमारी विचारधारा को किया हाईजेक। विपक्ष की सरकार कब बनेगी के सवाल पर बोली ममता बनर्जी, का गठबंधन आज नहीं तो कल पेश करेगा सरकार बनाने का दावा। ग्रीनलैंड की बर्फ में पहली बार मिले विशाल विषाणु, समुद्र के हरे शैवाल को संक्रमित करने में है माहिर। भूटानी PM शेरिंग तोबगे ने की मोदी सरकार की नीतियों की प्रशंसा, बोले 10 वर्षों के भीतर बुनियादी ढांचे का हुआ अभूतपूर्व विकास। पटना के उत्तराधिकारी माने जा रहे पांडियन ने छोड़ी राजनीति, पिछले साल ही नौकरशाही छोड़कर बने थे BJD का हिस्सा। गुजरात के द्वारका जिले में समुद्र तट पर मिली 16 करोड़ की चरस, पुलिस अधिकारी बोले समुद्र में बहकर आई थी नशे की खेप। राजीव चंद्रशेखर ने संन्यास के ऐलान के बाद किया ट्वीट, लिखा चुनाव में हार के कारण 18 साल की सेवा का कार्यकाल खत्म। पूर्व केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर के ट्वीट पर शशि थरूर का जवाब, कहा आप देश की सेवा करने के लिए अभी भी युवा नेता। चुनाव में हार के बावजूद रवनीत बिट्टू बने मोदी सरकार में मंत्री, पंजाब में जाट सिख चेहरे को आगे लाकर 2027 की तैयारी में भाजपा। अजीत गुट ने कैबिनेट में शामिल ना होकर कर दी बड़ी गलती, राजनीतिक जानकार बता रहे तटकरे और प्रफुल्ल में फंस गया था पेंच।
मेघालय में 3.3 तीव्रता के महसूस किए गए भूकंप के झटके, फिलहाल अभी तक जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। पड़ोसी राज्य तक पहुंची मणिपुर के जिरीबाम की हिंसा, सैकड़ों लोगों के शरण लेने पर असम में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। अगले 5 दिनों में राजस्थान में होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने कहा दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करेगा मानसून। एक ही दिन में 3 डिग्री चढ़ा पंजाब का अधिकतम पारा, मौसम विभाग ने कहा अभी 4 दिन और सताएगी लू। घर में तय सीमा से अधिक सोना रखा तो देना पड़ेगा हिसाब, बिना किसी सबूत के 500 ग्राम तक रखने की है छूट। उत्तराखंड के 4 जिलों में 2 रुपए तक महंगा हुआ आंचल दूध, सहकारी समितियों को हो रहे नुकसान पर प्रशासन ने उठाया कदम। हिमाचल से दिल्ली को पानी के लिए अभी करना होगा इंतजार, सरकार के दावों के बाद भी धरातल पर नहीं हुआ कोई काम। अमरोहा में कार से टकराए स्टंट कर रहे तेज रफ्तार बाइक सवार, 10 फीट दूर जाकर गिरी बाइक, एक की गई जान 2 घायल। भारत की T20 विश्व कप में पाकिस्तान पर 7वीं जीत, रोमांचक मैच में 6 रन से हराया बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच। पहले बल्लेबाजी करते हुए 119 पर ऑल आउट हुआ भारत, जवाब में 20 ओवर में 113 रन बना सकी पाकिस्तानी टीम। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात, नमस्कार।